आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा, बीटेक ऐसे लोग बिल्कुल ना करें। मैं इसमें आपको दो पॉइंट बताऊंगा, उन दो पॉइंट के बेस पे आप अपने आपको समझ सकते हो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो दोस्तों देखो, बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ईसी, आईटी, किस ब्रांच से आप करना चाहते हो। मैं यहाँ पे अभी बात करूँगा सीएस और आईटी के लिए। तो दोस्तों होता क्या कि सीएस आईटी में अगर आपके पास कोडिंग सीखने की स्किल नहीं है, अगर आपको मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कई बार होता है दोस्तों, कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है और कई बार पढ़ने के बाद भी हमें उसका नॉलेज नहीं होता है। वहाँ पे ये आता है कि आपको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो सीएसआईटी में आपका जाना बेकार है। फिर आप उसमें उतना ग्रोथ, आपको उतनी ग्रोथ मिलेगी ही नहीं इन फ्यूचर। और दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो फिर तो तब भी आपका आपको आपके लिए बीटेक करना सही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बीटेक क्या है मोस्टली अगर आप सीएसआईटी से कर रहे हो तो 90% कंपनीज आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं, और प्राइवेट सेक्टर का जो पहला पॉइंट होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आप बीटेक अगर कर रहे हो तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप सोच के कर रहे होते हो। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कोडिंग दोनों भी अच्छा नहीं है, जब भी आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम में जाते हो तो उसमें होता है कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपको लगता है कि कमिंग 4 ईयर्स में आप कोडिंग पे अच्छा कमांड बना सकते हो, कोडिंग का अच्छा नॉलेज आपको हो सकता है, और आप कमिंग 4 ईयर्स में आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा अगर कर सकते हो तो फिर मच बेटर। अगर 4 ईयर्स में अगर आपको लगता है कि नहीं ये चारों चीज़ें, ये 4 साल में दोनों पॉइंट मेरे से कवर नहीं होंगे तो आप उस फील्ड में ना आए, आपका पैसा लॉस होगा और आपका टाइम भी जाएगा। और हाँ, अगर ये चार साल में आप ये 2 चीज़ें कवर कर लेते हो तो सीएसआईटी में बहुत स्कोप है, पहले भी बहुत स्कोप था, आज भी बहुत स्कोप है, और आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं उनमें भी सीएसआईटी का एक बहुत अच्छा खासा स्कोप होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे ही टाइम निकल रहा है वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और जहां टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वहां पे सीएसआईटी ज़रूर आता है और उनकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डे बाई डे टेक्नोलॉजी आ रही है और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर की ग्रोथ बढ़ रही है वहाँ पे, या डेवलपर्स की हो या टेस्टर की हो, तो वहाँ पे ग्रोथ अल्टीमेटली बढ़ ही रही है। तो अगर आपको लगता है कि 4 साल में मैं ये दोनों पॉइंट कवर कर लूँगा तो मोस्ट वेलकम है आपको बीटेक में सीएसआईटी की ब्रांच में। अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें उस ब्रांच में जाके या उस लाइन में जाके। और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी आप कर सकते हो। तो बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।